हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूं धुस्का, जो कि झारखंड का बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो धुस्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल और दाल को भिगोना है। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी चावल ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे कोई भी घर में यूज़ करने वाला जो भी आप चावल बनाने में यूज़ करते हैं वो चावल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी चावल ली हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी चना दाल। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1/2 कटोरी उड़द की दाल। और अब हमें इसे अच्छे से धो लेना है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ इसमें पानी धोने के लिए। और हमें इसे अच्छे से मसलते हुए अच्छे से साफ़ करना है। तो आप इसे 3-4 बार पानी डाल के और मसलते हुए अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि कभी कभी चावल दाल में बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है तो वो सब निकालना ज़रूरी है। और ये देखिए, मैं चावल दाल को अच्छे से धो ली हूँ और ये देखिए कितना ज़्यादा साफ़ दिखने लगा है। और अब हम इसमें 1 से 2 ग्लास जितना पानी डाल देंगे और इसे फूलने के लिए रख देंगे। तो आप इसे 6 से 7 घंटे या फिर ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो आपके पास जितना टाइम हो तो उतना भिगो लें, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगोएं। और ये देखिए, मैं इसे ओवरनाइट के लिए भिगोई थी और मैं आपको सुबह दिखा रही हूँ। ये देखिए क्वांटिटी कितना ज़्यादा हो गई है चावल दाल की और ये अच्छे से फूल गए हैं। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ले ली हूँ जार और इसमें हम डाल देंगे चावल दाल को। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, करीब 2 से 3 चम्मच जितना, और इसे पीस लेंगे। अगर पानी कम लगा तो हम फिर से डाल देंगे, लेकिन एक ही साथ पानी नहीं डालेंगे। और ये देखिए अच्छे से पीस गया, पेस्ट बन गया हमारा। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो पानी मैं फिर से बीच में डाल दी थी। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसे अच्छे से पीस लेना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए चावल दाल को भी फिर से पीस लेते हैं। ये देखिए सारे चावल दाल अच्छे से पीस गए हैं। तो हमारा बैटर रेडी हो गया है और अब हम इसे फिर से 1 से 2 घंटे के लिए फिर से रेस्ट करने रख देंगे, ताकि ये अच्छे से और फूल जाए, अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम बना लेते हैं सब्जी। तो सब्जी मैं बनाने वाली हूँ आलू और चने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कुकर चढ़ा देंगे और उसमें डाल देंगे तेल। और तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे उसमें जीरा, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज। और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और आलू चने की सब्ज़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बताने वाली हूँ। और ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ टमाटर, और टमाटर को भी हम प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और टमाटर को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाले। तो मसाले में डाली हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं स्टार्टिंग में नहीं डाली थी, तो मसाले के साथ डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और जैसे ही मसाला 1 से 2 मिनट भून जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू। और आलू को मैं यहाँ पे 2 टुकड़ों में करके डाली हूँ। तो आप चाहें तो खड़ा भी आलू डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा करके ना डालें, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो आलू बहुत ज़्यादा गल जाएगा। हम इसे बाद में मैश करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ चना, और इसे फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अभी हम नमक नहीं डाले हैं, तो अभी हम इसमें नमक डालेंगे। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। तो अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। तो पानी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि हम धुस्का के साथ खाने वाले हैं तो हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि उसके साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद ना हो तो पानी थोड़ा सा कम डालें। और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे।
और ये देखिए कुकर का प्रेशर निकल गया है और आलू और चने भी अच्छे से पक गए हैं। तो मैं यहाँ पे आलू को हल्का हल्का सा मैश कर दे रही हूँ और ये देखिए सब्ज़ी कितनी ज़्यादा यमी दिख रही है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और सब्ज़ी तैयार है हमारा। और अब हम सब्ज़ी को साइड में रखते हैं और चलिए अपनी धुसका की ओर चलते हैं। और हमारे बैटर को भी रखे करीब 2.5 घंटे हो गए हैं और ये देखिए ये भी अच्छे से फूल गया है, हल्का सा फर्मेंट होने लगा है ये। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक हम पहले नहीं डाले थे इसमें, तो नमक डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम डाल देंगे करीब आधी छोटी चम्मच जितना जीरा पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सा हम डालेंगे खड़ा जीरा। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाल देंगे तो धुसका ख़राब हो जाएगा, तेल में जाके ये बिखरने लगेगा, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बनाएंगे तभी बहुत अच्छा बनता है धुसका। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहीं पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए बैटर को। अब ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी हमें थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हम एक ही साथ पानी डाल देंगे तो बैटर हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत लगा तो हम फिर से पानी डाल देंगे। और अब हमें इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि हमारा धुसका बहुत अच्छा बने। और ये देखिए मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंटी हूँ और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। और साइड में मैं तेल भी गर्म होने रख दी थी गैस पर, तो मैं यहाँ पर 1 बूंद डाल के देख रही हूँ तेल गर्म हुआ है या नहीं। और अगर तेल गर्म होगा तो जैसे ही हम बैटर डालेंगे तो हमारा धुसका ऊपर आ जाएगा। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमें एक कलछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा बैटर तेल में डालते जाना है और इसे फैला के नहीं डालना है, बस एक ही लाइन में डालना है हमें और ये खुद ही खुद फैल जाएगा। और ये देखिए पैन में मैं यहाँ पर 3 डाल दी हूँ धुसका और जैसे ये नीचे से सिक जाएगा तो ये फूलने भी लगता है अपने आप ही। इसके ऊपर से बस हल्का हल्का सा तेल डालते रहना है हमें ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाए। और जैसे ही नीचे से सिक जाएगा हम पलट के और दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए छूटने लगा है नीचे से, तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। और बस इसी तरह से हमें पलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है इसे। और इसे सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सिक जाता है। और ये फिर भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, क्योंकि अगर बैटर गाढ़ा होगा तो धुसका मोटा बनता है। तो मैं यहाँ पे बाद में फिर से थोड़ा सा पानी डाली थी करीब 2 से 3 चम्मच जितना। और ये देखिए धुसका हमारा अच्छे से सिक गया है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। और मैं आप लोग को फिर से डाल के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं दूसरी बार में थोड़ा सा पानी और ऐड करी थी तो ये और भी अच्छा बना था, उससे भी पतला बना था, क्योंकि मैं पहले वाला थोड़ा सा गाढ़ा रखी थी बैटर तो धुसका मोटा बन रहा था, लेकिन मैं जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करी थी तो उसके बाद धुसका और भी ज़्यादा अच्छा बना था, पतला बना था और खिल भी रहा था अच्छे से। और ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, अंतर समझ में आ रहा होगा। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी पलट पलट के और अच्छे से दोनों साइड से सेक लेना है। और आप लोगों को धुसका की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए ये भी धुसका हमारा लगभग तैयार हो गया है, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म धुसका तैयार हो गया है। तो मैं आप लोग को एक धुसका तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना ज़्यादा खोखला बना है। और ये बाद वाला है जब मैं पानी मिक्स करके बनाई थी, अगर आप गाढ़े बटर के साथ बनाएंगे तो इतना ज़्यादा खोखला नहीं बनेगा। आप लोग गर्मा गर्म धुसके को आलू चने की सब्ज़ी के साथ इंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।